दादी। बचपन में मैं भी जाती थी प्लेट लेके और एक एक रुपया मिलता था, 15-20 रुपए हो जाते थे, ऐसे लगता था कि लाइफ बन गई। ब्लॉग देख के शीला का रिश्ता आया है शादी का। अपनी मम्मा को रोज दे दो, जाओ दे दो मम्मा को। जय माता दी। माता रानी आप सबकी कृपा बनाए रखे आप सब पे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अरे वाह, अब होगा ये खुश। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आचार्य LOL। हैप्पी अष्टमी। और आज मैं ये 7 दिन बाद अपना व्रत खोलने लगी हूँ। जय माता दी। बोले इधर देखो, हिलो हिलो हिलो, मम्मा को खिला दो, मम्मा को खिलाओ, मम्मा को खिला दो। जय माता दी। ये बच्चा, छोटी सी माता रानी चाहिए अभी हमें। बोलो माता रानी आ जाए छोटी सी हमारे घर में। नाराज है आज, ये नाराज है आज, ये नाराज है। ये चाहता है कि प्लेट लेके दूसरों के घर ये कंजके लेने जाए, मतलब अष्टमी। पंजाब में बहुत ये चीज होती है, छोटे छोटे बच्चे दीदी प्लेटें लेके जाते हैं और ऐसे रो रहे होते हैं एक एक रुपए के पीछे। मुझे नहीं लेके गई मेरी बहन प्लेट लेके, ये वो वाला है। मैं भी जाऊंगा अपनी बहन के साथ प्लेट लेके। मैं भी जाऊंगा। वाह कितना टेस्टी। आओ आओ बड़ा ही चिल्ला के बच्चा। A few moments later. कैसे है आप? मेरी पूजा हो गई और मैंने टिफिन पैक कर लिए बच्चियों के लिए। रास्ते में जो भी मिलेगा जरूरतमंद उसको दे देंगे हम। हमारी अष्टमी हो गई और बस माता रानी आप सब पे कृपा रखे, आप सबको खुश रखे, हेल्थी रखे और बस खुश रहो। जय माता दी। अब रास्ते में देखना है कौन कौन मिलता है उसको देते जाते हैं। संतोष ने क्या 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 मस्त जगह दी है, इसमें बहुत सारी माता रानियां हैं। हाउ स्वीट यार। सारे बोलो जय माता दी। 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 दीदी इधर देखो, दीदी इधर देखो। तो चलिए जी, अष्टमी में सबको लड़कियों को हमें छोटी छोटी माता रानियां मिल गई थी, कंजक दे दी। अब थोड़े घर के लिए दिवाली के लिए सामान हो जाए। अब मैं जा रही हूँ। मुन्ना हूँ क्या? तो उतर, तू जा अपना काम में, हमारे साथ क्यों आएगा तू? तो बिल्डिंग है, इतना बड़ा घुटना यहाँ तक लेके आ रहा है, मैं इधर ही उतर रही, तू जा। सो गाइस, मैं दिवाली की शॉपिंग करने आ गई हूँ और ये महंगा महंगा सामान दिखाई जा रहे हैं। अच्छे कलर है, ये भी अच्छा है। चलिए, हमने ले लिया है लेकिन हमारे पास कार्ड नहीं था तो हमने सामान रखवा दिया है। मुन्ना आके पे करेगा और सामान ले जाएगा। आप सामान दे दोगे? पैसे दे के देंगे। सो यूसुफ भाई ने हमें रस्ते में ही पकड़ लिया और बोलते पैसे भी ना दो, गद्दा ले जाओ। यूसुफ भाई आप गद्दे में डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये ना हो कि हमसे ही सारा फिर एसी का खर्चा निकालो। चलिए यूसुफ भाई की दुकान अंदर से देख लेते हैं। यूसुफ भाई वो पर्दे चाहिए जो एकदम अंधेरा हो जाए और बच्चा लेट उठे। ब्लैकआउट आ जाएगा। ब्लैकआउट तो आ जाएगा लेकिन पैसों का मैं माप ले लेता हूँ ना मैडम। किसका? तीनों खिड़कियों का। तीनों फिर डिस्काउंट करेंगे? हो जाएगा मैडम, 25% डिस्काउंट कर दूंगा मैडम। करेंगे भाई? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? फैजान। फैजान की शादी हो गई? जी। चलो भाई कोई नहीं, होता है सब। लाइफ में आए तो ये सब भी होगा। आज मुझे थोड़ी शांति मिली है कि आज मैं घर से बाहर निकली माता रानी की कंजकों के लिए, बट मेरा काम हो गया। मुझे रजाइयाँ, चादरें, वादरें, पर्दे के कपड़े सब मिल गए। ये तो सब मिल गए लेकिन अभी पेंट भी तो करवाना है घर पे। ओए फिर बैठी है तो भाई आज तो जगह जगह तरह तरह का हलवा इकट्ठा हुआ होगा और पूड़ियाँ। बचपन में मैं भी जाती थी प्लेट लेके, आजकल तो चलो अपग्रेड हो गई है चीजें, लोग प्लेट दे देते हैं, टिफिन दे देते। पहले अपनी प्लेट खुद लेने जाओ, फिर भर जाए, फिर घर उसको पलटाने जाओ, खाली करके फिर साफ करके फिर निकलो। ओहो, और एक एक रुपया मिलता था, 15-20 रुपए हो जाते थे, ऐसे लगता था कि लाइफ बन गई।
क्या दिन थे यार वो कंजका। हमारे में पंजाब में कंजका कहते हैं ना, कंजका पूजन कहते हैं, इधर अष्टमी बोलते हैं, उधर कंजका पूजन कहते हैं। लोग ना हलवे में चने में पैसे ऐसे 1 रुपए रख देते थे तो वो घी घी वाले हो जाते। फिर मैं घर लाके, मैं शिद्दत से घर लाके मैं गर्म पानी में सर्फ में सारे सिक्के धो के इकट्ठे करती थी। सो मैं घर आ तो गई हूँ और हर्ष कहता कुछ लाई नहीं, तो बोलती थी शॉपिंग करने में, सब मेरे पास कार्ड ही नहीं था हर्ष। हर्ष ने बचा की बीवी का ये हाल हो, यही हाल हो, बट मैं भी बड़ी चलाक हूँ, मैंने बिल बुल बनवा लिया, मैं कहा मुन्ना आके आपको कर लेगा। और मैं घर आई और कपिल भाई और गिन्नी भाभी, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है, हर बात याद रहती है कि बहन को क्या भेजना है करवा चौथ पे, दिवाली पे, अष्टमी पे। तो आ चुका है होली की अष्टमी, सो क्यूट। खोलते हैं बाद में, जब गोला उठेगा ना शाम को तब खोलेंगे कि मामा मामी ने क्या भेजा। हाउ स्वीट यार, लव यू कपिल भाई एंड बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लव यू गिन्नी भाभी। आए मेरी छोटी बेटी, आए मेरा छोटा बच्चा, खुश क्यों नहीं है तुमसे? अरे शाम को उठ के उताच। कोई कुछ कर दो भैया। शीला तेरा बच्चा नहीं सुधरा, इसने फिर सुसु कर दिया दोस्तों। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? आज इतने दिनों बाद इसने मैट में किया, इसका निकल गया या खुशी से, ये क्या किया इसने? सो दोस्तों कितनी अच्छी बात है यार, ब्लॉग देख के शीला का रिश्ता आया है शादी का, और वो रिश्ता लेके आए स्वयं हमारे जो सीनियर हैं मिस्टर मुनिसा। क्या? ओ मिस्टर मुन्ना फ्रॉम उड़ीसा, बताओ मुन्ना। हाँ वो लड़का एक देखा, देख के मेरे स्क्रीनशॉट मार के फोटो भेजा, बोले लड़की उड़ीसा से, बोला हाँ, बोले इससे बात करना, मेरे से शादी करना है। तो उसको इसका नाम पता है? हाँ पता है, शीला। शीला? बोले शीला उड़ीसा से है मुन्ना। हाँ सच में शीला इधर आ। अरे सच्ची, ये जो तेरे फूल इधर है ना, अभी बात सुन के तो दिल में आ जाएंगे। मुन्ना तेरे लिए रिश्ता लाया है, कहता है एक एडिटर है लड़का, और वो उसने तेरे को देखा व्लॉग में और वो शादी करना चाहता है। मुझसे शादी करोगे? वो सच में वो ये हाँ बोलेगी तो वो हो जाएगा रिश्ता? हाँ हो। शीला रुक तो जाए यार, मैं बोला तेरा घर वाले से बात कर, उसके घर वाले से बात करे, घर पर बनाया हुआ लड़का अच्छा खासा पैसा कमाता है। यार कितनी अच्छी बात है शीला, क्यों नहीं कर रही यार? अच्छा रिश्ता हुआ है जी? ओ शिट, इतनी ताकत तो मुझे कि मैं उसे बुला सकूं। वो व्लॉग देखता है बंदा? देखता है व्लॉग, डेली व्लॉग देखता है हमारे? डेली देखता है, देख के स्क्रीनशॉट मार के भेजा था। इस बंदे का नाम तो हम नहीं लेंगे व्लॉग में, लेकिन मैं यही कहूंगी सॉरी भाई आप लेट हो गए थोड़ा सा। शीला बहुत अच्छी लड़की है और काम तो उसने ऐसे सीख लिया खाना बनाना। जा मुन्ना तूने उस बंदे का दिल तोड़ दिया, तू बोल नहीं सकता था कि उसका रिश्ता हो गया? मेरे को पता नहीं था ना इसका प्रॉपर फाइनल है कि नहीं, मुझे होगा तो कर लेगा तू। बट अगर तेरा नहीं हुआ होता रिश्ता और ये अच्छा लड़का है तो कर लेती? हाय जय माता दी। गोले स्वीट यार, बूरे का ट्रेनर जो है वो उसके लिए शूज लेके आए, उसके चबाने के लिए। मैं लगा कि ये गोले का है। नहीं इसका क्या मतलब है कि वो तो मतलब हमारे शूज ना चबाए या हट शूज ही चबाए? नहीं इसको उसने बोला कि ये नॉर्मल टॉयज मत दो, कुछ डिफरेंट दो, इसको ही मजा आए, जैसे इसको मजा आता है। ये देखो जैसे इसको अभी ऐसा करेंगे ना तो इसको बहुत मजा आता है। ये मेरा काकपू कप्पू अपूपू अम्मा गोले इधर, गोले इधर आओ, इधर इधर गोले गोले, अपनी मम्मा को रोज दे दो, जाओ जाओ मम्मा को रोज दो, जाओ जाओ मम्मा को दो, मम्मा को दे दो मम्मा को। तूने यही करवाना था इसीलिए इनको दिया तूने। दोस्तों 10 बज गए हैं, आंखें बंद होने वाली है क्योंकि 7:30 बजे वाला आज भी रूल हमारा चल रहा है। इधर आओ, चलो बाय बाय करो। चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं, जिसने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया ना कर लो फटाफट। अरे गोले बाय कर दो, बाय 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 गाइस।
ये घर में अभी कम से कम एक डेढ़ घंटा तो ये मचांड होगा। oh, no. चलो भाई दीदी चलो चलो चलो। अब बच्चन साहब आके बोले समय समाप्ति की घोषणा। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनो। अरे चलो ए बाय गाइस बाय। चल नहीं जा यहाँ से, दिल्ली तोड़ दिया। बेचारे एडिटर का, एडिटर का कभी दिल मत तोड़ना, बेचारे इतने मेहनती होते हैं एडिटर, है ना शक्ति? तुम भी सुन रहे होगे, तुम्हारी हंसी निकल गई होगी और ये लाइन तुम बिल्कुल भी एडिट नहीं करोगे, है शक्ति? है।